आप सेवा समिति में किस पद पर? आपकी सेवा समिति है गरीबों के लिए, किस तरह से कार्य करती है? गरीबों के लिए सबसे कम खर्चे पर इनकी बच्चियों की शादी के लिए बनाई गई है। इसमें गरीब आदमी अपने कम खर्चे में अपनी बच्चियों का शादी कर सकते हैं। इससे काफी गरीब लोगों को राहत मिलती है। जो भविष्य में इस तरह चलती रही तो गरीबों को अधिक से अधिक काम मिले। तो आप क्या कोई उद्देश्य संदेश देना चाहेंगे? आप जनता के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? जनता के लिए संदेश देता हूँ, भविष्य में जो गरीब लोग हैं उनको सामूहिक विवाह में शादियां करनी चाहिए। यदि वो अलग से शादियां करते हैं तो उसमें विशेष खर्च आता है, टेंट तंबू और भी काफी परेशानियां भी होती है। तो आपकी सेवा समिति आगे किन किन विचारों को गरीब लोगों को किस किस तरह से सहायता करेंगे? गरीब लोगों के लिए जो भी खाने पीने का साधन है उनको जुटाएंगे और उनको अच्छे से अच्छे खाने पीने का साधन करते हुए उनको कपड़े लगते और उनकी एक दूसरे से मन मिला करके शादियां कराएंगे। मेरा नाम राजेश मुंद्रा है। मैं मानव मिलन सद्भाव सेवा समिति में सचिव के पद पे हूँ। तो आज जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं आप? आज हमने ये जो कार्यक्रम किया है कुछ जोड़ों के लिए, हमने जेवर और कपड़े शादी से पहले ही दे देते हैं। अपना सामूहिक विवाह सम्मेलन है 25 फरवरी का फुलेरा ध्वज का। तो कुछ हमने जोड़ों को बुलाते उनको जेवर और कपड़े बांटे हैं और सबके लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है हमने आज का। और हमारी जो समिति है गरीबों के लिए काफ़ी मदद मिले सबके लिए हम ऐसे प्रोग्राम रखते हैं। ये हमारा उत्तर प्रदेश का पहला सम्मेलन है, बाकी राजस्थान में हमने करीब 10-11 सम्मेलन करा चुके हैं और सबके लिए अच्छा। इसमें एक प्लाट रखा हुआ है 450 वर्ग फुट का, बाकी 15,000 रुपये की FD है लड़की के लिए, 5 चांदी व 2 सोने की चीज़ें हैं, दूल्हा दुल्हन की हाथ की घड़ी, दूल्हा दुल्हन के जेवर और कपड़े रखा है, डबल बेड है, इसमें फ्रिज है, TV है, कूलर है, अलमारी है, 50 से अधिक घरेलू सामान रखा है, आदमी की बेसिक नीड के हिसाब से सारा कुछ सामान रखा हुआ है। तो आप जनता के लिए किस किस तरह से आपकी सेवा समिति कार्य करती है? हमारी जो सेवा समिति है गरीबों के लिए काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है और आगे भी करती रहेगी। इसमें ये है कि हमने सामूहिक विवाह का जो रखा है, हर आदमी एक सबके मन में होता है कि मुझे मेरे पास अच्छा सामान हो, लेकिन वो कम पैसे में अरेंज नहीं कर पाता। हमारी संस्था जो है कम पैसे में सबके लिए अच्छा सामान देगी और दे रही है। अब जो सम्मेलन है 20 फरवरी से हम लोग दहेज वाला जो सामान होता है अपना, फ्रिज है, TV है, कूलर है, सारा आइटम बांटेंगे, सबको बुलाएंगे और इसी तरीके का कार्यक्रम करेंगे। आप किस लिए आए हैं? सम्मेलन के लिए आए हैं। शायद आपका ये गरीब आदमी नहीं करा सके शादी और बच्ची के पापा भी गरीब है, इसीलिए हमने यहाँ पे रखा है। क्या नाम से बहुत अच्छा है, क्या नाम से लॉर्ड भी सबसे मैजिक लॉर्ड है और उसे पूरी घरेलू का सामान भी मिल रहा है अच्छी तरह से। बेचारे गरीबों की सहायता कर रहे हैं और क्या नाम से फुल सामान दे रहे हैं और 5 जेवर दे रहे हैं, 5 चांदी भी, 2 सोने भी और लहंगा चुन्नी सब कुछ दिया है बेचारों ने। जैसे ही उनके बन रही है ऐसे वो खा रहे हैं बेचारे। गरीबों की बेटियां और निकलती रहे हैं आगे, यही हम तो प्रार्थना कर रहे हैं कि क्या नाम से गरीबों की बच्ची निकलती रहे अच्छी तरह से शादी कर सकें। मानव मिलन सद्भाव सेवा समिति आपका आपकी जो सहायता कर रही है, तो क्या आप उस सहायता से खुश हैं? हाँ बहुत खुश हैं। चलो आपका नाम धीरज सिंह। तो आप यहाँ पर दूल्हे हुआ है? जी हाँ। तो आपने समिति से रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है? जी। तो समिति आपको किस तरह से सहायता कर रही है? बहुत अच्छी तरीके से सहायता कर रही है और मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे आगे करते रहें और इसी तरीके से तरक्की पर जाते रहें। सभी वयोजनों को हाथ जोड़ के नमस्कार। नाम सर वेद प्रकाश है। मैं इस हमारी मानव मिलन समिति में सदस्य के पद पर कार्यरत हूँ और हमारी शक्ति है जो गरीब व्यक्तियों के लिए और भी कुछ करना चाहती है आगे चल के। अगर हमारे सम्मेलन भी सही चलते रहे तो हम क्या है गरीबों के लिए, जैसे जहाँ रहते हैं तो उनके लिए कपड़े वितरण करना और आदि बहुत सारी चीजें है, उनके लिए खाने की व्यवस्था, ऐसी चीजें भी करना चाहते हैं। हमारा भविष्य में ये भी अपना और भी कुछ लक्ष्य है उनको पूरा करना चाहते हैं उनकी समिति के द्वारा। ठीक है सर।
किसानों की आपस में जंगल की आपको और चांदी की जो दीजिए गई ठीक है ये ये घड़ी बेटा आदमी देना चाहे तो उसको अभी दे देना अपने घर पर देख लेना तुम्हारे वहां देना चाहो तो दे देना ये घड़ी एक बार ही तुम्हारे समाज में जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।